और यहाँ पे अपनी हाउसिंग जितनी भी कॉलोनी है ना, तो पूरी उसकी वो इलेक्ट्रिक कार्स भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे कितना रेट होगा, यहाँ पे रहने का कितना वो चीज़ होगा, तो चलो किससे पूछते भी हैं। और भाई साहब, इस डिवेलप सी जगह में आपको क्या मिलने को मिलेगा? यहाँ पे ये गोभी वो भी लेके जा रहे हैं। तो पाकिस्तानियों की यही बात तो है, जहाँ पे डेवलपमेंट आती है ना, तो यहाँ पे ये लोग ऐसा भी करते हैं। खैर करे यार, क्या क्या नेक्स्ट लेवल सीन्स है यार। यहाँ की मस्जिद देखी, अभी अभी तैयार हो रही है और लोग यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट है यहाँ के। यार इस पूरी जो कॉलोनी है या ये पूरा एरिया है, तो यहाँ का आप देख सकते हैं, तो मैप वेप दे रखे हैं, तो हर जगह पे नई नई चीज़ें बन रही है। और यह डेवलप पाकिस्तान आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो भाई साहब, मैं भी हैरान हूँ कि यार इस तरह की मतलब फैंटास्टिक चीज़ें कहाँ पे हो सकती है। और यार ये देखिए यार, यार देखिए यार, हाँ जी यहाँ पे घर है ना, काफ़ी घर है यहाँ पे, घर तो होंगे यहाँ पे, यहाँ पे घर है ना, पूरी कॉलोनी है। तो क्या रेंट वेंट का क्या हिसाब होगा यहाँ पे? रेंट हाँ नहीं, फिर भी कितना? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप चाहिए? नहीं, मर्दान से आया हूँ। अच्छा, तो क्या सीन है यहाँ पे? नहीं नहीं, अपने मेरी तरफ है, मेरी तरफ है। अच्छा, मेरी तरफ है। तो क्या है रेंट, क्या है, क्या हिसाब है? रेंट चल रहा है इसलिए तकरीबन डबल पोर्शन सिंगल चल रहा है 20,000 रुपये। अच्छा, 20,000 रुपये तकरीबन रेंट है सिंगल। डबल जो है उसको 40-45 चल रहा है। अच्छा, काफ़ी मतलब सिंगल रूम या सिंगल आपको मिल जाएगा रूम? तो सिंगल वो क्या नहीं, सिंगल पोर्शन। अच्छा, सिंगल पोर्शन का आपको 20,000 और डबल और ट्रिपल आप मान दे 50,000 और 60,000। यहाँ पे अपनी हाउसिंग जितनी भी कॉलोनी है ना, तो पूरी उसकी वो इलेक्ट्रिक कार्स भी यहाँ पे मौजूद है। यार क्या सीन्स है यार, क्या तो मतलब इससे डेवलप कहाँ पे हो सकती है? शायद आप देख सकते हैं और शायद आप ये भी सोच सकते हैं कि इस्लामाबाद में इससे अच्छी अच्छी होंगी। हाँ ये बात है, लेकिन भाई साहब ये तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद आई। तो भाई साहब आप मेरे पीछे बब्बर शेर देख सकते हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े घर हैं, यहाँ पर डेकोरेशन का जो खेल है ना, वो आपको समझ में नहीं आएगा, इतनी कम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है ना, इसको बंदा जितनी भी तारीफ़ करे तो मतलब कम है, जितनी भी तारीफ़ करे काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। हर जगह पे आपको ग्रीनरी, पूल, सिक्योरिटी, इतनी पुलिस है यहाँ के कि यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। हर जगह अच्छा सैनिटेशन का काम, जितने भी चीज़ें हैं, तो ये अथॉरिटी मतलब 20,000 रुपये रेंट यार, ये तो आपको मतलब छोटी सी भी अगर मर्दान में भी एक छोटा सा शेयर भी हो तो 10-20,000 रुपये तो वहाँ के भी हैं, तो अच्छा है, बेस्ट है रहने के लिए, तो बिल्कुल बेस्ट है। बाकी हर जगह पे आपको डेकोरेशन का काम मिलेगा, काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड लाइक स्काई मार्केटिंग और काफ़ी अच्छे अच्छे फूड रेस्टोरेंट्स जो है, काफ़ी बड़े होटल्स हैं, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। काफ़ी कुछ डेवलप हो रही है। और ये भाई बेटा है बब्बर शेर, बब्बर शेर काफ़ी खूब, एक नहीं है सिर्फ ये, वो भी है। अच्छा वो नज़र आ रहे हैं, दो तीन है यहाँ। और भाई वो एक मज़े की बात बताओ, वो जो पिज़्ज़ा हट आपको नज़र आ रहे हैं, काफ़ी पहले वीज़ा का कार्ड लिया था, लेकिन जितने भी मैं वीज़ा का कार्ड काफ़ी पहले लिया था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स थे तो उन्होंने कहा यार वीज़ा अच्छा नहीं है, तो मैंने कहा यार कभी मैंने कभी ट्राई नहीं, 2-3 साल हो गए हैं वही कार्ड के और मेरे साथ पड़ा है, अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है। और हर ब्लॉक का आपको नाम ना, मतलब डी ब्लॉक, सी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो लोगों को पढ़ने में, जाने में और हर जगह पे जाने में, हालांकि हम बाहर से जो लोग आते हैं तो उनके लिए काफ़ी आसानी होती है, काफ़ी आसानी होती है। मुझे अब नहीं ना, कुछ रेस्टोरेंट ऐसे है लेकिन यहाँ पे नहीं, काफ़ी यहाँ से थोड़ा सा दूर होंगे और लोकल से मिलते हैं तो वहाँ उससे पूछेंगे कि कोई रेस्टोरेंट है,
तो वहाँ का शायद कुछ ट्राई करें, कोशिश करते हैं। और वैसे हर चीज़ आपको दुकान के अंदर ही मिल जाएंगी, लाइक वहाँ पे आपका नान घर है, यहाँ पे बीफ है, तो हर चीज़ आपको मतलब बिल्कुल दुकान के अंदर से ही मिल जाएगी, वही बाहर वाला सीन बिल्कुल नहीं होगा। और आप वो घर देख सकते हैं, तो बिल्कुल खूबसूरत ज़बरदस्त घर है यहाँ पे। यार हर घर को देखते तो बंदा देखता है यार कितना, यार इंजीनियर का कितना कमाल होगा यहाँ पे। एक सामने आप जो घर देख रहे हैं, अच्छा तो यहाँ पे चिकन रोल रखता है। अच्छा बाहर वाला सीन यहाँ पे नहीं होता ना, बस सब चीज़ें अंदर होती है। अच्छा तो चिकन और रेट वैसे डिफरेंट होता है या वही है? अच्छा सेम रेट है। तो यहाँ पे अंदर यहाँ पे बीफ ही रखते हैं और यहाँ पे चिकन। तो हर जगह मैंने कहा ना कि हर जगह पे आपको अंदर वाला सीन मिलेगा। तो भाई लाइक फार्मेसी से लेके जितना भी बीफ है, चिकन है, आपको मटन है, फार्मेसी की दुकानें हैं, नान हैं, तो हर एक इस कुल में सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर वाहकेंड की बात की जाए, हर टिकसला की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा मॉडल विलेजेस है, सबसे ज़्यादा। लेकिन इतना खूबसूरत है ये जो आर्केड है, आर्केड मॉल के साथ जितना जो है ना, कितना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत। और यहाँ की वीडियो एक वजह से मैंने बनाई, वैसे आपको दिखाना भी था कि यहाँ पे लोग किस तरह रहते हैं, मतलब क्या सीन है यहाँ पे। अगर आप सामने मेरा वो उस तरफ देखें तो काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत, आप घर के अंदर तो जा नहीं सकते। असल में जो ऑर्केड माल था वो 11 बजे खोलने वाला था, तो मैंने अच्छा चलो कि यार यहाँ पे वीडियो स्टॉप करते हैं और आपको इस तरह की व्यूज़ दिखाते हैं यार कि यहाँ पे लोग किस तरह रहते हैं, यहाँ पर रेंट किस तरह है। तो मैंने जिस तरह बताया कि कम से कम 20,000 वन पोर्शन के लिए, अगर आपको दो पोर्शन या तीन पोर्शन चाहिए तो फिर रेट डबल होता है, डबल मतलब 30,000-40,000, इतना ज़्यादा नहीं है। लाइक अगर आप सोचें ना, अगर आप इस्लामाबाद की सोचें तो इतना ज़्यादा वो काफ़ी, यार काफ़ी उसकी रेंट होती है काफ़ी। और अब मुझे ये सीन पता नहीं है कि यहाँ पे अगर पूरा घर आप ख़रीदना चाहते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, और हमारे लिए बात बस की बात नहीं है यार, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो भाई क्या शाहाना रेस्टोरेंट्स है यहाँ पे, देखिए ये कोई, ये मुझे रेस्टोरेंट वगैरह नज़र आ रहा है, ये कोई बेकरी वगैरह की दुकान है, फिज़ा हट भी है और हर चीज़ यहाँ पे आपको मिले। और वैसे एक बात, जाते जाते एक बात तो भूल गया कि यहाँ पे मतलब आपको रुकना पड़ेगा, लाइक बिल्कुल लाइट वाइट पे आप जा सकते हैं, ग्रीन लाइट होता है तो जाएंगे, रेड होता है तो रुकेंगे। तो पूरा एक सिस्टम है यहाँ पे, हर लोग अपने आप को समझते हैं कि हमने करना क्या है, तो पूरा एक ज़बरदस्त फैमिली, एज अ फैमिली वो रहते हैं, इसकी कमी भी यहाँ पे नहीं है। तो पाकिस्तान के बेस्ट स्कूल, सबसे बेस्ट स्कूल वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, पाकिस्तान के सबसे बेस्ट स्कूल, मतलब जहाँ पे आप अपने बच्चों को अच्छी तरह वो पढ़ा सकते हैं। तो दुनिया के नहीं कि पाकिस्तान के बेस्ट स्कूल और बेस्ट टीचर्स वो यहाँ पे वो हैं। लेकिन भाई साहब एक बात मैं आपको बताऊं कि एक बंदा बहुत टाइम से यहाँ पे बैठा है, पेट्रोल ख़त्म है और काफ़ी टाइम से। अच्छा पेट्रोल ख़त्म है, कितना टाइम हो गया है यार, बड़ा धूप सीख रहे हैं आप। अच्छा पेट्रोल पंप यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा तो भाई साहब इनके साथ एक पंगा ये हो गया कि पेट्रोल पंप यहाँ पे नहीं है। और भाई साहब ये गोभी है क्या है? अच्छा इसमें है या वो सिर्फ पत्ते हैं? अच्छा सर पत्ते हैं। तो भाई साहब यस ये एक बात ये भूल गया कि यहाँ पे पेट्रोल पंप का सीन शायद नहीं होगा, कि होगा भी तो यहाँ पे काफ़ी इसके साथ वज़न काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसा नहीं जा सकता। तो भाई साहब ये पंगा इसके साथ हो गया है, अभी यहाँ पे काफ़ी एक घंटा तकरीबन यहाँ पे मेरा हो गया, ये भाई साहब बैठा है।